तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑथोरिकेशन लेटर क्या होता है, जैसे कि नया आधार सेंटर खोलना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी आप आधार का काम कर रहे हैं, चाहे यूसीएल चला रहे हैं या बैंक में मशीन चला रहे हैं या एजुकेशन डिपार्टमेंट, चाइल्ड वुमेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की कोई भी डिपार्टमेंट की आप मशीन चला रहे हैं, यानी आधार का आप कुल मिला के आधार का आप काम कर रहे हैं, या फिर नए जो आधार सेंटर खोलना चाहते हैं वो लोग अब जो आधार का काम कर रहे हैं उनके पास ऑलरेडी मैसेज आ चुका है कि आपको री एग्जाम देना है, और जो नए लोग हैं उनको भी जो अप्लाई करते हैं वहां पर ऑथोरिकेशन लेटर मांगा जाता है, और जो री एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं उनके भी ऑथोरिकेशन लेटर मांगा जाता है। तो ये ऑथोरिकेशन लेटर क्या होता है और ये कैसे मिलेगा, रजिस्ट्रार इंटोलमेंट एजेंसियां कौन कौन सी है वहां से कैसे मिलेगा, अगर वहां नहीं मिलता है तो आखिरी जो तीसरा विकल्प है वो क्या है, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए, तभी आपकी समस्या का समाधान हो पाएगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं अनुमान सेवलिया एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएस टेक्निकल सपोर्ट पे स्वागत है। यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे एनआईसीआईटी आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर एग्जाम को लेकर। जो भी भाई अभी प्रेजेंट टाइम में जो मशीनें चला रहे हैं यूसीएल बैंक में या सरकार की जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, चाइल्ड वुमेनमेंट डेवलपमेंट या जिस भी रजिस्ट्रार या एंटोलमेंट एजेंसी की मशीनें चला रहे हैं उनको वापस एग्जाम देना ही पड़ेगा। अभी यहाँ पर कुछ टाइम पहले हमने जो एनआईसीआईटी एग्जाम है ऑपरेटर सुपरवाइजर उसका हमने वीडियो डाला था, उस पर काफी अच्छा लोगों के रिस्पांस देखने को मिले। उसके बाद में हमें बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि ये ऑथोरिकेशन लेटर क्या होता है, ये हमें कैसे मिलेगा, ये हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, एंटोलमेंट एजेंसी और रजिस्ट्रार कौन कौन से हैं उनसे हम ये ऑथोरिकेशन लेटर ले सकते हैं, चाहे वो नया आधार सेंटर खोलना चाहते हो या ऑलरेडी जो यूसीएल वगैरह चला रहे हैं, बैंक में मशीनें चला रहे हैं या एजुकेशन डिपार्टमेंट की मशीन चला रहे हैं, तो उन लोगों को ये ऑथोरिकेशन लेटर कहाँ से मिलेगा वो आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है टाइम निकाल के, तभी आपको सारी जानकारी मिल पाएगी। अगर आप वीडियो को आधा अधूरा देखोगे फिर आप मेरे को कॉल करोगे कमेंट करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि वीडियो को लास्ट तक देखना है, टाइम निकाल के देखिए, अभी नहीं टाइम है तो थोड़ी देर बाद देख लीजिए, लेकिन टाइम निकाल के वीडियो को लास्ट तक देखिए तभी आपको सारी जानकारी मिल पाएगी, मेरे को यहाँ पर जो भी कॉल मैसेज करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये इंटोलमेंट या रजिस्ट्रार जो भी एजेंसी है उनसे ये ऑथोरिकेशन लेटर कैसे मिलेगा, अगर उनसे नहीं मिल पाता है आपको बाय चांस तो ये लेटर कहाँ से मिलेगा, वो तीसरा ऑप्शन भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको घर बैठे ये ऑथोरिकेशन लेटर कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। अब यहाँ पर बात करते हैं ऑथोरिकेशन लेटर क्या होता है। जैसे कि नया जो आधार सेंटर खोलना चाहता है, जो भी ऑपरेटर सुपरवाइजर का एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करता है वहां पर ऑथोरिकेशन लेटर मांगा जाता है, वो जिस भी इंटोलमेंट एजेंसी को वहां सिलेक्ट करेगा उसका ऑथोरिकेशन लेटर वहां से मांगा जाएगा। जैसे ही बंदा एग्जाम देने जाएगा वहां पर उससे एग्जामिनर एक ऑथोरिकेशन लेटर मांगेगा, नहीं तो उसको एग्जाम में बैठने नहीं देगा। और जितने भी चाहे वो बैंक में मशीन चला रहे हैं ऑलरेडी जो भी आधार में काम कर रहे हैं उन लोगों को भी री एग्जाम का मैसेज उनके पास आ चुका है, अब उनको भी ये एग्जाम देना पड़ेगा। वो एग्जाम के लिए जैसे अप्लाई करते हैं वहां ऑथोरिकेशन लेटर मांगा जाता है, तो वो लोग भी ऑथोरिकेशन लेटर कहाँ से लाएं और कैसे उसको वहां पर जैसे एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर भी उनसे ये मांगा जाएगा। अगर वो ये काम नहीं करते हैं, ऑथोरिकेशन लेटर वगैरह ये उनको नहीं मिल पाता है और एग्जाम नहीं देते हैं तो उनका जो आधार सेंटर है वो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर आधार सेंटर उनका कंटिन्यू चलता रहे, तो इसके लिए हम आपको लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। मैं आपको बता दूं इस वीडियो के अंदर मैं आपको रजिस्ट्रार और इंटोलमेंट एजेंसियों के बारे में भी जानकारी देने वाला हूं, और अगर इनके माध्यम से आपको आधार जो ऑथोरिकेशन लेटर नहीं मिल पा रहा है तो ऑथोरिकेशन लेटर कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, जैसे ही हम एनआईसीआईटी एग्जाम की वेबसाइट पर जाके और रजिस्ट्रेशन करते हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वहां पर आपसे ऑथोरिकेशन लेटर अपलोड मांगा जाता है। इसका फॉर्मेट आप देख सकते हैं, इस प्रकार के फॉर्मेट होता है, और ये अपने जो आप जैसे सीएससी वैली है, यूसीएल चला रहे हैं या आप बैंक की मशीन चला रहे हैं, अलग अलग जो भी होता है इंटरमेंट एजेंसियां बहुत सारी है, तो आप अपने जो सीएससी अगर यूसीएल वैली है तो आप अपने डीएम से ये कॉन्टेक्ट करके ऑथोरिकेशन लेटर ले सकते हैं, और बैंक से आप चला रहे हैं तो बैंक का रजिस्ट्रार है उससे आप कॉन्टेक्ट करके ये ऑथोरिकेशन लेटर ले सकते हैं। अब मैं आपको इंटरमेंट एजेंसियों की भी जानकारी दूंगा, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके जाऊंगा और वहां पर आपको बताऊंगा, तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। तो ऑथोरिकेशन लेटर आप एग्जाम देने जाओगे वहां पर भी आपसे ये मांगा जाएगा, तो ये आपको कैसे मिलेगा वो आपको मैं बताने वाला हूँ। पहले हम इंटरमेंट एजेंसियां आपको बता देते हैं कौन कौन सी है, तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर, और उसके बाद में कंटिन्यू आगे बात करेंगे कि अगर ये नहीं दे पाती है तो आपको कहाँ से मिलेगा, तीसरा ऑप्शन भी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर स्क्रीन पर आ चुके हैं, यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा बाय रजिस्ट्रार और इंटोलमेंट एजेंसी। तो हम यहाँ पर जैसे इंटोलमेंट एजेंसी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंटोलमेंट एजेंसी पे क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर एक ग्राफ सा आपको देखने को मिलेगा,
और यहाँ पर मैं आपको इसमें थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको ग्राफ सा देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर ये ग्राफ सा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो इंटोलमेंट एजेंसी है उसके द्वारा आधार जनरेट प्रोसेस इन एजेंसीज, यानी इसने कितने आधार बनाए हैं वो यहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा किसने आधार बनाए हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आधार जो फर्स्ट नंबर पे है कार्वी डाटा ये दे रखा है, फिर उसके बाद में ये अलग अलग है, तेरा सॉफ्टवेयर, एंगल सॉफ्टवेयर, इंडिया कंप्यूटर, अलग अलग है इसमें दिया हुआ इस प्रकार से दिल्ली, और ये अलग अलग इंटरमेंट एजेंसियाँ, बहुत सारी इंटरमेंट एजेंसियाँ हैं अनगिनत आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंटोलमेंट एजेंसी आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, इन इंटोलमेंट एजेंसियों से बढ़िया आप है रजिस्ट्रार, जो बाय रजिस्ट्रार है इनसे आप ऑथोरिकेशन लेटर लें, ये सबसे बेस्ट है। तो सबसे बढ़िया यहाँ पर देखिए बाय रजिस्ट्रार पर आपको क्लिक करना है, जो बाय रजिस्ट्रार है इस पर क्लिक करोगे इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सीएससी गवर्नेंस देखने को मिलेगी, सबसे ज़्यादा इन्होंने ये आधार जनरेट किए हैं, ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको इसमें रजिस्ट्रार ये अलग अलग गवर्नमेंट, अलग अलग डिप्टी आईआईटीसी गवर्नमेंट वगैरह, कर्नाटका, राजस्थान, अलग अलग यहाँ पर देखने को मिलेगा, बहुत सारे इसमें जो रजिस्ट्रार हैं। तो आप जो इनसे अगर इंटरमेंट वो लेंगे ऑथोरिकेशन लेटर, तो सीएससी से आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से अपने कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनके माध्यम से यहाँ पर सीएससी से आप ले सकते हैं। बैंक में है तो बैंक के रजिस्ट्रार से कॉन्टेक्ट करके वहाँ से ले सकते हैं। तो इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं बाय रजिस्ट्रार किस रजिस्ट्रार के थ्रू आप अपना ऑथोरिकेशन लेटर लेना चाहते हैं, और यहाँ पर जो इंटरमेंट एजेंसियाँ वो भी यहाँ पर दे रखा है। तो इनसे आप ऑथोरिकेशन लेटर ले सकते हैं, और वो यहाँ पर लेटर आपको ओरिजिनल कॉपी आपके पास होनी चाहिए, आप जब भी एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ आपको ये दिखाना पड़ेगा, तभी आपको एग्जाम में एंट्री दी जाएगी, नहीं तो एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। चाहे आप नया आधार सेंटर लेना चाहते हो या फिर आप पहले से आधार सेंटर चला रहे हो, आपके पास ऑथोरिकेशन लेटर होना बहुत ज़रूरी है। पहले LMS सर्टिफिकेट भी था, LMS हटा दिया और अब ऑथोरिकेशन लेटर है वो अनिवार्य है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इंटरमेंट एजेंसियाँ, कौन कौन सी इंटरमेंट एजेंसियाँ हैं, कौन सी रजिस्ट्रार है, वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर आपको मतलब जो भी इंटोलमेंट एजेंसियां उनके बारे में भी बताया है, आपको रजिस्ट्रार या इंटोलमेंट एजेंसी कहाँ से आपको ये ऑथोरिकेशन लेटर मिलेगा, आप उनसे कॉन्टेक्ट करके वहां से आप ये ऑथोरिकेशन लेटर ले सकते हैं। अगर आपको वहां से भी नहीं मिल पाता है, वहां से भी अगर वो अगर आपको नहीं दे पाते हैं या नहीं मिल रहा है किसी कारणवश, तो आप हमसे ये ऑथोरिकेशन लेटर ले सकते हैं। दिए गए स्क्रीन पर आपको व्हाट्सअप नंबर दिए गए, आपको इन पर व्हाट्सअप करना है, वहां से आपको ये ऑथोरिकेशन लेटर मिल जाएगा। जो भी नाम मात्र का शुल्क है वो आपको पे करना पड़ेगा और उसी के माध्यम से ये ऑथोरिकेशन लेटर आपको मिल जाएगा। आपको ये घर पे भी मिल जाएगा और आपको तुरंत PDF भी दे दिया जाएगा, जिससे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके और अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद में आप जैसे एग्जाम देने जाओगे वहां पर ये ऑथोरिकेशन लेटर आपसे मांगा जाएगा हार्ड कॉपी, तो वो आपको बाई पोस्ट हम घर पे भी भेजेंगे, उसको ले जाके आप एग्जाम दे सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जैसे ही आप ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, चाहे नए आधार सेंटर लेना चाहते हैं वो लोग या फिर जो ऑलरेडी आधार सेंटर चला रहे हैं, आधार का काम कर रहे हैं वो लोग, तो उन सभी से ये ऑथोरिकेशन लेटर वहां पर मांगा जाता है। और काफी भाई मेरे पास कमेंट भी कर रहे थे और काफी लोगों को हमने ये ऑथोरिकेशन लेटर दिया भी है, उनके पास वो पहुंच भी गया और उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है, और उसी को लेकर हमारे पास कमेंट आ रहे थे। हमने पिछला वीडियो भी डाला था, हमने आज के 6-7 महीने पहले भी वीडियो डाले थे, जो NICET का एग्जाम है उसके रिलेटेड हमने वीडियो डाले थे, आप देख सकते हैं कैसे इस प्रकार को इसको मतलब सरल तरीके से पास कर सकते हैं। वो सारे वीडियो हमारे डले हुए हैं, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूं, आप वहां से देख सकते हैं। और जो इंटरमेंट रजिस्टर्ड एजेंसियां हैं उनका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको वहां से लेटर नहीं मिल पा रहा है तो आप हमसे बेझिझक कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम उपलब्ध करवा देंगे। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी और डाउट है कि हमें कुछ चीज समझ में नहीं आई है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके कमेंट बता सकते हैं, हम आपकी तुरंत वहां पर मदद करेंगे। और जल्दी से जल्दी जो भी अगर ज्यादा कमेंट आते हैं उस टॉपिक पे, तो हम उस टॉपिक पे वीडियो भी लेकर आएंगे और आपकी जो भी समस्या उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने सभी जो CAC के ग्रुप है, चाहे आपका कोई भी ग्रुप है, उनमें ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और वो भी लोग अपनी जो उनकी जो समस्या है उसका उनका समाधान हो सके। तो मिलते हैं एक और प्रेस वीडियो में लेटेस्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।